हाय एवरीवन, वेलकम टू होम्स किचन। होम्स किचन में आज बनने वाली है काले चने की इतनी टेस्टी और लाजवाब सी सब्जी, जो आपको इतनी पसंद आने वाली है कि आप इसे रोज बनाना चाहेंगे। साथ में ही कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक मैं बताने वाली हूँ जिससे चने इजीली सॉफ्ट हो जाएंगे और चने की जो ग्रेवी बनेगी वो एकदम से गाढ़ी बनेगी। रेसिपी को जानने के लिए प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहें और फ्रेंड्स, मेरी हर नई वीडियो को देखते रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। काले चने की सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कप काले चने को 7 से 8 घंटे पहले भिगोकर रख दिया था। तो चने हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं और ये अपने साइज से फूलकर डबल भी हो चुके हैं। भीगने से पहले ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और भीगने के बाद ये सॉफ्ट होकर फूल भी गए हैं। काले चने की सब्जी बनाने से पहले इनको भिगोना जरूरी है, क्योंकि बिना भिगोए हुए चने की हम सब्जी नहीं बना पाएंगे, वो इजीली सॉफ्ट नहीं होंगे। इसलिए इनको 6 से 7 घंटे तक भिगोकर रखें, उसके बाद ही इनकी सब्जी बनाएं। अब जो चने का पानी था वो मैंने निकाल दिया है। पानी निकाल कर एक प्रेशर कुकर में हम चने को ट्रांसफर करेंगे। अब हम इसमें फ्रेश पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि चने उसमें अच्छे से डिप हो जाए। चने के ऊपर 1 से 1.5 इंच तक पानी दिखना चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे नमक, इससे हमारे चने जल्दी से गल जाएंगे। अब 5 से 6 सीटी आने तक चने को पकाएंगे। सब्जी में तड़का लगाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं और 3 ही टमाटर लिए हैं। 12 से 14 कली लहसुन ले ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। प्याज को हम बारीक चॉप करेंगे और टमाटर की प्यूरी बनाएंगे। तो प्याज को तो रख देते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, टमाटर को रफली चॉप करके ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। साथ में ही इसमें जो हमने लहसुन की 12 से 14 कली ली है वो डालेंगे और साथ में ही डालेंगे अदरक का टुकड़ा। अदरक को हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालेंगे ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब चने की ग्रेवी को गाढ़ी बनाने के लिए हम एक सीक्रेट चीज इसमें डालने वाले हैं और वो सीक्रेट चीज है उबले हुए आलू। मैंने 4 छोटे साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। ये बहुत ही छोटे आलू हैं, कैमरे में थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पास मीडियम साइज के हैं तो आप 2 आलू लें। रफली चॉप करके आलू को भी टमाटर के साथ ही डालेंगे और इनका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी ग्रेवी काफी गाढ़ी बनेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पर हमारे कुकर में भी 5 से 6 सीटियाँ लग चुकी हैं। इसका प्रेशर अपने आप से रिलीज हो चुका है। अब हम ढक्कन खोलेंगे तो ये देखिए हमारे चने पूरी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है और हमने जितना पानी चने को उबालने के लिए डाला था उसमें से आधा पानी ड्राई हो चुका है। तो कुकर को तो हम अभी रख देते हैं साइड में। अब हम अपना तड़का बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए एक पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो इसको सरसों के ऑयल में भी बना सकते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा, साथ में ही डालेंगे 2 तेज पत्ते और छोटा टुकड़ा दालचीनी, 3 सूखी लाल मिर्च डालेंगे, साथ में ही डालेंगे 2 पिंच हींग। चने की सब्जी में हींग जरूर से डालें, क्योंकि चने की सब्जी को डाइजेस्ट करने में हींग हमारी हेल्प करती है। 30 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर खड़े मसालों के पकने के बाद डालेंगे चॉप किए हुए अनियंस। आप चाहें तो प्याज को भी मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हैं, लेकिन मैं प्याज को हमेशा ही बारीक चॉप करके यूज करती हूँ, क्योंकि मिक्सी में ग्राइंड किए हुए प्याज पकने में ज्यादा टाइम लेते हैं। अब लगातार चलाते हुए प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। प्याज में कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर हल्के से भी प्याज कच्चे रह गए तो हमारी चने की सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा। फ्लेम को इस स्टेज में मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए पकाएंगे। प्याज अच्छे से पक चुके हैं, गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक, टमाटर और आलू का पेस्ट जो हमने बनाया था। इसको भी लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लहसुन अदरक को टमाटर के साथ ही पीस लिया है। आप चाहें तो इनको अलग से पीस कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादातर इनको टमाटर के साथ पीस कर ही डालती हूँ। ऐसा करने से एक तो हमारा काम आसान हो जाता है, दूसरा वो टमाटर के साथ अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि लहसुन अदरक को अगर हम अलग से पकाते हैं तो वो अक्सर पैन पर चिपक जाते हैं। तो सारी चीजें हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून ही मैंने आमचूर पाउडर लिया है और थोड़ा सा डालेंगे नमक। नमक हम कम ही रखेंगे क्योंकि हमने चने को उबालते हुए भी नमक डाला था। अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड्स तक इनको पकाने के बाद डालेंगे उबले हुए चने। और जो ये चनों का पानी है इसको भी हमने फेंकना नहीं है, इसको भी हम साथ में ही डालेंगे।
क्योंकि इससे एक तो हमारी सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बढ़िया से मिक्स करेंगे और ढककर 5 से 6 मिनट तक इनको और पकने देते हैं। इससे ज्यादा देर तक इनको पकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चने तो हमारे ऑलरेडी पके हुए हैं। बस 5 से 6 मिनट में चने अच्छे से ग्रेवी में मिक्स हो जाएंगे और सारे मसालों का इनमें फ्लेवर आ जाएगा। तो हमने सब्जी को 5 से 6 मिनट तक पका लिया है, चने ग्रेवी में अच्छे से घुल मिल गए हैं और ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है फ्रेंड्स। अब 1 स्पून डालेंगे चना मसाला, साथ में ही स्प्रिंकल करेंगे कुछ कटा हुआ हरा धनिया। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और दोनों चीज़ों के मिक्स होते ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। चना मसाला और धनिया डालकर हमने सब्जी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, नहीं तो मसालों का फ्लेवर सब्जी से उड़ जाता है, इसलिए मसालों के मिक्स होते ही तुरंत हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब सब्जी को और ज्यादा जायकेदार बनाने के लिए हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक तड़का पैन में डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी। घी के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद डालेंगे 4 से 5 लंबी कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को अच्छे से पकने देते हैं, मिर्च का हमने कलर चेंज नहीं होने देना है, बस इनको अच्छे से पकाना है। हरी मिर्च के अच्छे से पक जाने के बाद डालेंगे 1/2 टीस्पून देगी लाल मिर्च। लाल मिर्च के डालते ही हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस तड़का बनकर के तैयार है, अब इसको डालेंगे सब्जी के ऊपर, अच्छे से तड़के को मिक्स करेंगे। तो बस सब्जी बनकर के तैयार है, ये देखिए एकदम क्रीमी गाढ़ी ग्रेवी वाली हमारी सब्जी बनी है। इस सब्जी को आप चपाती के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ या फिर चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। पर्सनली मुझे ये सब्जी चावल के साथ तो बेहद ही यम्मी लगती है। तो फ्रेंड्स इस टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते हुए एक बार ये सब्जी जरूर बनाइएगा, आपको बेहद ही पसंद आएगी। जब भी आप ये सब्जी बनाए तो अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।